इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मारवाड़ साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी जोधपुर, जो अब राजस्थान का हिस्सा है, आज अपने भव्य मेहरानगढ़ किले और उम्मेद भवन पैलेस की वजह से पहचानी जाती है। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि जोधपुर शहर के बाहर मंडोर मारवाड़ साम्राज्य की पहली राजधानी थी। मंडोर ने आज भी सैकड़ों साल पुराने स्मारक संजोकर रखे हैं। दिलचस्प बात यह है कि मंडोर का इतिहास गुप्ता युग से शुरू होता है। प्राचीन युग में ये जगह मंडोदरा या मंडोवर के नाम से जानी जाती थी। छठी शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार की एक शाखा, जो मंडोर प्रतिहार के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने यहाँ एक छोटा सा साम्राज्य कायम कर लिया था। मंडोर प्रतिहार शासक राजिल्ला ने एक दुर्ग प्राचीर बनवाई थी। बाद में उसी दुर्ग प्राचीर ने मंडोर किले का रूप धारण कर लिया। 13वीं सदी के अंत में प्रतिहार शासकों पर दिल्ली सुल्तानों के हमले होते रहे। सन 1292 से लेकर सन 1395 तक खिलजी बादशाहों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए प्रतिहारों ने राठौर राजवंश से समझौता कर लिया। इसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मंडोर प्रतिहार खानदान की एक राजकुमारी का विवाह राठौर राजा राव चुंडा से कर दिया गया। मंडोर किला दहेज के रूप में राठौड़ों को दे दिया गया। इस तरह मंडोर मारवाड़ राठौर साम्राज्य की राजधानी बन गया। मंडोर पर लगातार हमले होते रहते थे। मंडोर दिल्ली सल्तनत सहित कई अन्य राजाओं के कब्जे में भी रहा। इसीलिए राजधानी के लिए और भी ज्यादा सुरक्षित जगह तलाश की गई। राजधानी के लिए एक पहाड़ी पर जगह तय की गई और वहीं राव जोधा और उनके उत्तराधिकारियों ने मेहरानगढ़ किला बनवाया। इस छोटी पहाड़ी पर प्राचीन मंडोर किले की कुछ दीवारें आज भी देखी जा सकती हैं। हालांकि वक्त की आंधी ने सब कुछ मिटा दिया है, लेकिन बची कुची दीवारों से भी इस किले की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मंडोर बहुत कम समय तक राठौर राजाओं की राजधानी रहा, लेकिन राजधानी बदलने के बाद भी ये लंबे समय तक एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र बना रहा, क्योंकि यहाँ कई अहम हिंदू मंदिर बने। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित है मंडोर गार्डन, जिसमें अज्ञात राजाओं की याद में देवल या छत्रियाँ बनाई गईं। राजाओं की याद में बने स्मारक प्रतिहार मंदिरों के शिल्पकारी के अंदाज में बने हैं। पहला देवल राजा राव उदय सिंह ने सन 1583 में अपने पिता राव बलदेव की याद में बनवाया था। उसके बाद 19वीं सदी तक लगभग सभी राठौर राजाओं और उनकी रानियों की याद में बनी छत्रियां वहां देखी जा सकती हैं। मंडोर की एक और खास बात है वहां का रावण मंदिर। माना जाता है कि रावण की पत्नी मंडोदरी का जन्म यहीं हुआ था। यहाँ के कई ब्राह्मण परिवार आज भी रावण को अपना दामाद मानते हैं। हालांकि मारवाड़ के इतिहास में मंडोर जोधपुर की तरह कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा, लेकिन यहाँ के मंदिर और शिल्पकारी एक सुहानी कहानी सुनाती है, जो एक बार देखने के लायक तो है ही।